नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। अभी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, जहां पे छात्रों और शिक्षकों ने आज अपना एक जॉइंट प्रोटेस्ट बुलाया है, ताकि वो यूजीसी के द्वारा जो कई नए कदम लिए गए हैं नई शिक्षा नीति के तहत, उसको जो है उसका विरोध कर सके। अगर इन कदमों की मैं बात करूँ तो आपको बताना चाहूँगा कि यूजीसी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति के तहत जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनको 4 साल का बनाने की कोशिश की है। उसके साथ में ही जो है यूजीसी ने ये भी प्रपोज किया है कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो इसका मतलब यह है कि आप चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, या फिर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लीजिए, सबके लिए एक कॉमन एंट्रेंस की बात है। उसके साथ में जो है एमफिल को स्क्रैप कर देने की भी बात थी, और हम देख रहे हैं कि कई यूनिवर्सिटीज़ में एमफिल को सीधे सीधे स्क्रैप किया गया है। यूनिवर्सिटीज़ को यह भी कहा गया है कि वो हायर एजुकेशन फंडिंग जो एजेंसी है, जिसे हम हैफा कहते हैं, वो उससे जो है वो लोन ले। शिक्षकों और टीचर्स के शिक्षकों और छात्रों के अपने विरोध के अपने अपने कारण हैं। हम यहाँ पे कुछ शिक्षकों से बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्यों लग रहा है कि यूजीसी के ये कदम शिक्षा के लिए भारत में हानिकारक होने वाले हैं। जो शिक्षा में परिवर्तन हो रहे हैं वो लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जो निचले तबके के स्टूडेंट हैं वो बाहर की ओर जाएं। सार्वजनिक शिक्षा का अर्थ ही ये है कि बिना किसी की जेब के पैसा को देखे, किसी की कास्ट को देखे, किसी के रीजन, लैंग्वेज, कुछ भी, उसके आधार पर यह न तय हो कि किसको शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी, किसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, मतलब पैदा होते ही यह न तय हो जाए कि आप कितने दूर तक पढ़ पाएंगे। सरकार क्या कर रही है कि CUET लेके आती है, और CUET क्या है कि आप कोचिंग लेंगे, कोचिंग लेके आप BA में एडमिशन लेंगे, BSc में एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो लाखों की कोचिंग लो पहले, और पहले तो MBBS के लिए तैयारी करनी पड़ती थी, लाखों रुपए बच्चे देते थे इंजीनियरिंग के लिए देते थे, लेकिन अब BA BSc के लिए भी ऐसा करना पड़ेगा। तो मतलब ये मुझे लगता नहीं है कि ये कोई मतलब अच्छी चीज़ है, जहाँ पे और इंक्लूसिव बनाना चाहिए एजुकेशन को। आप बहुत एक बड़े तबके को एजुकेशन से बाहर कर दे रहे हैं ये चीज़ लाकर। CUET is kicking the unprivileged to pressurizing them to take coachings for exams. That's the main thing. Like when the university was thinking, basically thinking about starting entrance exam, there came a message telling to join this coaching class. How are the underprivileged going to be take a coaching? Like, they won't be economically stable for that. That's a basic thing. घर में जब अगर दो बच्चे हैं और माँ बाप एक ही बच्चे को फंड कर सकता है, तो आज भी जो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके अंदर बेटे को तो वो कोचिंग करवा के इंजीनियरिंग करवा देगा, पर लड़की को क्या कोचिंग करवा के यूनिवर्सिटी भी भेजेगा? ये सवाल है। तो मैं खुद एक वर्किंग क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मुझे 3 साल अगर DU में पढ़ना है तो मेरा खर्चा लाखों, 1 लाख से भी मतलब कई ज़्यादा होगा, वो लाखों में जाएगा। तो 1 साल जहाँ बढ़ जाता है मेरा, ठीक है, जहाँ पे कोई ऐसा आउटपुट भी नहीं आ रहा है कुछ ढंग का, उस वो साल बढ़ाया है अगर तो कुछ आउटपुट आना चाहिए उसमें, कुछ ऐसा सीखूँ मैं कि हाँ, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। आज 3 साल की डिग्री लेके मुकम्मल डिग्री मानी जाती है, और वो जो स्टूडेंट है डाइवर्सिफाई होता है, जॉब मार्केट में जाता है। आप एक गरीब देश में माँ बाप पे ये दबाव डाल रहे हैं कि वो 4th साल का खर्च भी सहे। राज्य जब ये तय करे कि हमको सबको शिक्षा देनी है, बेहतर नागरिक तैयार करना है ताकि राष्ट्र मजबूत हो, तो वो नीतियाँ बनाएगा जिससे शिक्षा सबके घर पहुँचे। इस समय क्या हो रहा है, राष्ट्र को कमज़ोर करना है, मगर राष्ट्रवाद का नारा बुलंद करना है, तो इसके लिए क्या करना है, शिक्षा को कमज़ोर करो, शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करो, उनकी छवियों को ख़राब करो। JNU और DU के साथ पिछली बार क्या हुआ, AMU और जामिया के साथ क्या हो रहा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गोबर पाथने वाले कौन प्रोफेसर हैं भाई, कि गोबर से अब जो है व्यापार देंगे और रोज़गार देंगे, तो वो रोज़गार तो बहुत सारे लोग यहाँ के कमेरा लोग कर ही रहे थे। शिक्षा का मतलब क्या था, कि वो अपने पेशे को छोड़ करके वो शिक्षा पाएँ। अभी तो हमारा और हाल खराब होगा, क्योंकि एक एक कॉलेज से कहा जाएगा कि हिफा से लोन ले लो और 4th साल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो।
हेफा आने का मतलब ये है कि अगर 100 करोड़ रुपया आपको चाहिए तो 100 करोड़ इंस्टीट्यूट लेगा तो 10 साल में भरना है, शर्त होगी 5 साल में भरना है, MOU पर साइन करेंगे। पहली बात इंस्टीट्यूट कहेगा 100 करोड़ नहीं लेंगे, 50 ही लेंगे क्योंकि भरना भी है। बजट कम किया फिर भी 50 करोड़ जो बचा उसको भरेगा कैसे? इनकम का सोर्स क्या है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में? बच्चों की फीस, तो बच्चों की फीस बढ़ाई जाएगी ताकि इनकम हो, और जहाँ इन्वेस्ट किया जाता है वो क्या है? शिक्षकों की नौकरी। तो शिक्षक कम करो, विद्यार्थी ज़्यादा करो, शिक्षकों की सैलरी कम करो, शिक्षकों को टेम्परेरी पर रखो, हमारे जैसे 12 साल से एडहॉक पर रखो, जब मन की निकाल दिया, जितने मन के पैसा दिया नहीं दिया, और विद्यार्थियों की सैलरी को 1000 वाली फीस को 1,10,000 कर दो। ये है हेफा। हमारे समाज में दशा दिशा ये होनी चाहिए थी समाज की कि सबको, हाँ, कि सबको समान शिक्षा नीति मिले, कि जो मजदूर का बच्चा है, चपरासी का बच्चा है और जो वाइस चांसलर का बच्चा है, सबको एक तरीके के शिक्षा व्यवस्था में पढ़ने का मौका मिले। ऐसा ना हो कि शिक्षा मंत्री का जो बच्चा है या गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल का ही जो बच्चा है वो अपने व्यवस्था के सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं लेता। इस तरीके की आज भी त्रासदी हमारे समाज में दोहरापन, दोहरी शिक्षा नीति मौजूद है जो कि साफ साफ ये सुनिश्चित करती है कि हमारे समाज में गैर बराबरी, शोषण बना रहे।